चलान पे हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुस्लिम पे हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा हेट स्पीच नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जामिया वर्ल्ड इंसाफ की आवाज। उत्तराखंड के अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं ये उत्तराखंड का मामला, हरिद्वार का मामला कोई अलग थलग मामला नहीं है। दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर यहाँ भी एक ऑडिटोरियम में हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को शपथ दिलवाई गई और मारने के लिए और मरने मिटने के लिए ऐलान किया गया। आपको पता है कर्नाटका के अंदर हमारे देश के एक युवा सांसद भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या, उन्होंने कहा कि थोक भाव से इस देश में जो भी मुस्लिम हैं और ईसाई हैं उनकी घर वापसी हो और उन सबको हिंदू बना दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आज पूरे देश में जो जर्मनी में जैसे फाइनल सोल्यूशन का नारा लगा था और फाइनल सोल्यूशन के नाम पर पूरे जर्मनी में जिस तरह से जनसंहार रचा गया था हिटलर के जमाने में, हमारे देश में भी कुछ लोग इसी रास्ते पर देश को धकेलना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले एक साल तक जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब तक किसानों का आंदोलन था ये मुद्दे नहीं बन पा रहे थे। ये तीनों कानून शायद इसीलिए वापस किए गए कि नरेंद्र मोदी को लगता है, मोदी सरकार को लगता है कि किसी कानून वापस होने से किसानों के मुद्दे दब जाएंगे और इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए, जनसंघार रचने के लिए माहौल मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोग ये भी संकल्प लेने के लिए यहाँ आए हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को खारिज करने के लिए बिल्कुल ये जरूरी है कि हम देश में हमारे जो अन्य जरूरी मुद्दे हैं, चाहे हमारे किसान के मुद्दे, नौजवानों के रोजगार के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, हम अपने जिंदगी के मुद्दों को लेकर के देश की राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनसंघार के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति के मामले में भी आने वाले चुनाव में भी दरकिनार करना होगा, इन लोगों को धकेलना होगा पीछे। हम इसी मांग के साथ दिल्ली के नागरिक समाज की ओर से और पूरे देश के तमाम इंसाफ पसंद लोगों की ओर से, जनता पसंद लोगों की ओर से फिर एक बार इस मांग को दोहराते हैं कि उत्तराखंड में, हरिद्वार में, दिल्ली में और कर्नाटका में जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर इस समय जनसंहार का ऐलान किया है, जेनोसाइड का कॉल किया है, जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर जबरन घर वापसी का ऐलान किया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ ये हिंसा भड़काने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ FIR हो और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो। तेजस्वी सूर्या जैसे जो सांसद हैं जिन्होंने आज कहा है कि हम इसको वापस लेते हैं क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा है, इनकी ये आदत है ऐसी बात करके वो कंट्रोवर्सी का नाम लेकर के थोड़ा बहुत पीछे हटते हैं। इन तमाम लोगों को संसद से भी हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग इस देश में संविधान के खिलाफ और जनता की एकता के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आप सबको आने वाले दिन में भी इसी तरह से तैनात रहने के लिए और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए और जनवाद के पक्ष में, संविधान के पक्ष में माहौल बनाए रखने की अपील।